हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए पांच ऐसे बहुत अनमोल हीरे लेके आया हूँ शेयर मार्केट के, जिसके अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप वहाँ से जो है पूरी तरह से टेंशन फ्री हो जाएंगे। शेयर मार्केट में आते क्यों हैं? क्योंकि हर कोई कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, एक एक्स्ट्रा पैसिव इनकम अर्न करना चाहता है। तो इसीलिए तो हम सब यहाँ पे जो है शेयर मार्केट में आते हैं, और शेयर मार्केट में से आपके यहाँ पे आपका मन चाहा यहाँ पे जो है आपको प्रॉफिट मिल सकता है। आपको यहाँ पे आपकी मर्ज़ी पे रहेगा, 5% लेना है, 10% लेना है, या 5,000% लेना है, 10,000% लेना है। और मार्केट से आपको कहीं से भी मतलब 5-10% प्रॉफिट तो आराम से मिल ही जाएगा, लेकिन आपको कम वक्त में ज़्यादा बड़ा फ़ायदा लेना है, ज़्यादा बड़े मतलब जो इन्वेस्टमेंट करके आपका जो है बहुत बड़ा है उसे जो अमाउंट बना के देना है, तो आपको शेयर मार्केट में अच्छे स्टैंडर्ड मतलब पूरी तरह से अच्छी वाली कंपनी में ही आपको है जो है पैसा इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। तो आपके लिए कुछ ऐसे ही खास कीमती पांच नगीने लेके आया हूँ, तो आप मेरे चैनल साथ जुड़े रहिए, वीडियो में बने रहिए, और अपने फ्रेंड्स साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप शेयर मार्केट के साथ साथ यूट्यूब और फेसबुक से भी पैसे कमाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से पेड मॉनिटर सर्विस ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको पूरी तरह से वर्क टाइम सब्सक्राइबर और व्यूज़ मिलेंगे, जो आपको पूरी तरह से नॉन ड्रॉप रहेंगे और बहुत ही चीप प्राइजेस में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले शेयर किए और हमारा पहले शेयर का मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 8,796 करोड़ रुपीज़ का है। करंट मार्केट प्राइस 50 रुपीज़ 60 पैसा, 52 वीक हाई 73 रुपीज़ और 52 वीक लो जो है 31 का है। स्टॉक पी 66 है और बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड कंपनी देती है 0.1% का। ROC ROE दोनों के दोनों अबव 50% है, शानदार है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपीज़ की है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे जो है गज़ब की निकल के आ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग, आपको यहाँ पे मतलब बिलीव नहीं होगा कि इतनी बड़ी प्रमोटर होल्डिंग भी हो सकती है क्या। 75% की यहाँ पे जो है प्रमोटर होल्डिंग निकल के आ रही है। कंपनी के ऊपर अगर हम डेप्थ की बात करेंगे तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे डेप्थ आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो डेप्थ है वो है 21 करोड़ रुपीज़, और ये जो डेप्थ रहता है जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को चकमा देने के लिए रहता है और कुछ नहीं। और यहाँ पे किसने कंपनी के पास रिजर्व में 261 करोड़ रुपये हैं, 261 करोड़ रुपीज़, यानी कंपनी जब चाहे तो अपने आप को डेट फ्री कर सकती है। और इसी के साथ साथ डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 0.07% की निकल के आ रही है। और ये कंपनी जो है पूरी तरह से मतलब बहुत ही शानदार है। रिटर्न ऑन प्रॉफिट ग्रोथ की बात कीजिए, रिटर्न ऑन सेल्स ग्रोथ, रिटर्न ऑन एसेट्स, सब कुछ यहाँ पे जो है शानदार निकल के आ रहा है। और इसी के साथ साथ कोई भी शेयर यहाँ पे कंपनी में प्लेस नहीं है। कंपनी के नाम की बात करें, कंपनी का नाम है इजी ट्रिप प्लानर्स डॉट कॉम और इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड, और 50 रुपीज़ 60 पैसा इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। और आज के दिन यहाँ पे थोड़ी सी हमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देखते हैं कंपनी जो है टूरिज्म सेक्टर में काम करती है, और टूरिज्म सेक्टर का कोई मतलब एंड ही नहीं है। अगर वहाँ पे कोई जो है ऐसा बड़ी वाली सिचुएशन क्रिएट ना हो, जैसे कि कोरोना का टाइम पे था, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो तो टूरिज्म सेक्टर का जो है एंड नहीं है। और ये कंपनी जो है टिकट्स बुक करना रेलवे बस के लिए, प्लेन्स के लिए, फ्लाइट्स के लिए, और इसी के साथ साथ जो है ये जो लगेज वाला सेक्शन रहता है वहाँ पर भी ये कंपनी काम करती है। तो फ्यूचर में जो बेस्ट कंपनियाँ हैं उनमें से एक ये भी है। तो आप ऐसे शेयर में जो है अपना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का थोड़ा सा प्लान बना सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो आप वो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो 11,146 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप निकल के आ रहा है। करंट प्राइस जो है इसका 2,275 निकल के आ रहा है। 52 वीक है 2,690 रुपीज़ का, और 52 वीक लो जो है 2,037 रुपीज़ का निकल के आ रहा है। और करंट मार्केट प्राइस में और 52 वीक लो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप ये शेयर में जो है पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हैं। पी रेशो की अगर हम बात करें तो 41% का निकल के आ रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी जो है आने वाले वक्त में शानदार परफॉर्म करती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर शेयर ये ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ROC ROE दोनों बेहतर है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपीज़ की है, डिविडेंड कंपनी देती है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 20% के ऑलमोस्ट है। और इसी के साथ साथ कंपनी का यहाँ पे बहुत मतलब शानदार रिजर्व है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी जो है प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 20% की है। डेप कंपनी पे 72% का है। रिजर्व यहाँ पे 620 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी बहुत ही मतलब शानदार रिजर्व रखती है, और इसी के साथ साथ अग्रेसिवली अपने यहाँ पे जो है टारगेट अचीव करते नज़र आ रही है। सेल्स ग्रोथ इसकी शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही बेहतरीन है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक ही है, क्या बोलते हैं डेप फ्री है स्टॉक ऑलमोस्ट, और डेप फ्री है, पैसा प्लेज कोई भी शेयर नहीं है। और कंपनी के नाम की अगर हम बात करें, कंपनी का नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, और ये कंपनी का यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी जो है IT सेक्टर में काम करती वाली कंपनी है। और इसी के साथ साथ ये कंपनी जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी
बहुत ही बड़ी है, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनियों में से एक कंपनी आती है, और इसका जो म्यूचुअल फंड का रिप्रेजेंटिंग रेट है वो 22 ट्रिलियन में आता है, और यहाँ पे 69.40% का म्यूचुअल फंड वाला स्टेक यहाँ पे कंपनी ओन करती हुई नज़र आती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कंपनी जो है शानदार है, अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मतलब नीचे टेंशन फ्री हो जाना चाहिए अगर इसमें आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारा लिस्ट का थर्ड स्टॉक की ओर। हमारे थर्ड स्टॉक की बात करेंगे मार्केट कैप की, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1560 करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैप निकल के आ रहा है। करंट मार्केट प्राइस 1299 रुपीज़ का निकल के आ रहा है, और फिफ्टी टू वीक हाई 1818 रुपीज़ का है, फिफ्टी टू वीक लो 400 रुपीज़ का है। स्टॉक पी की अगर हम बात करें 42 निकल के आ रही है, बुक वैल्यू 64 का है, और डिविडेंड कंपनी बहुत ही मतलब छोटे क्वांटिटी में देती है, 0.20% के आसपास। 40 ROC ROE दोनों के दोनों जो है अबव 40% के आसपास ही हैं। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की है, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 50% की नज़र आ रही है हमें। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के पास शानदार 65 करोड़ रुपीज़ का एक रिजर्व मौजूद है, कोई भी डेप्थ नहीं है, कंपनी पूरी तरह से डेप्थ फ्री है। इंडस्ट्री पी यहाँ पे 25% पे आ रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन सेल्स ग्रोथ और इसका रिटर्न ऑन प्रॉफिट सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव में है। आप इस शेयर में जो है थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट करके एक चांस ले सकते हैं अपना यहाँ पे प्रॉफिट बनाने के लिए। कंपनी के नाम की बात करें तो ज्योति रेजन एडहेसिव लिमिटेड है कंपनी जो है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्लू सेक्टर में काम करती है, यूरो 7000 बोल के इसका जो है पेंट सेक्शन का भी है, तो ये कंपनी वहाँ पे भी काम करती है। और इसी के साथ साथ वुड मटेरियल का जो प्रोडक्ट्स रहते हैं कंपनी उसके अंदर भी काम करती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो बाहर से भी आता है, कंपनी जो है इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, और यहाँ इंडिया में ही इसके 13 स्टेट में 28 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ये कंपनी काम करती है नज़र आ रही है। 13 स्टेट में 28 ब्रांचेस हैं जो 58 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, 10,000 एक्टिव रिटेलर्स और 3 लाख से ज़्यादा इसके कारपेंटर्स यहाँ इंडिया में एक्टिव हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये कंपनी जो है बहुत ही शानदार है, और यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना इन स्टेट में भी कंपनी जो है काम करती हुई नज़र आ रही है। और अधेसिव कंपनी लिमिटेड सेगमेंट की कंपनी है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना है। और इसी के साथ साथ अगर हम आगे नेक्स्ट कंपनी की ओर अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख, हमारी नेक्स्ट कंपनी का नाम आपको एंड में पता चल जाएगा। कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, 194 करोड़ रुपीज़ का, और इसी के साथ करंट मार्केट प्राइस 30 रुपीज़ का है सिर्फ और सिर्फ। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का 52 वीक है 41 रुपीज़ का, 52 वीक लो 11 रुपीज़ का है, तो ये जो शेयर प्राइस चल रहा है ये मिडल रेंज में चल रहा है 52 वीक हाई और 52 वीक लो के, तो आप ऐसे टाइम पर यहाँ शेयर में जो है पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और स्टॉक पी जो है ऑलमोस्ट 0.95% का, और ये फेयर इनफ है, आप यहाँ पे पैसा अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेयर वैल्यू निकल के आ रही है। बुक वैल्यू 20 रुपीज़ है, बुक वैल्यू से थोड़ा सा ही ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड कंपनी शानदार देती है, फेस वैल्यू इसकी 5 रुपीज़ की है। डेप्ट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो 0.89 डेप्ट यहाँ पे कंपनी के ऊपर 23 करोड़ रुपीज़ का डेप्थ है, और इसी के अपोज में शानदार यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 197 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व मौजूद है। कंपनी के अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो 20% की यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग निकल के आ रही है। ROC ROE दोनों के दोनों शानदार हैं, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, तो हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और यहाँ पे भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 साल में 200% की सेल्स ग्रोथ है, इतनी शानदार सेल्स ग्रोथ वाला स्टॉक हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो आप ऐसे शेयर में जो है पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी के नाम की अगर हम बात करें, कंपनी का नाम है स्टैंडर्ड इंडस्ट्री लिमिटेड, और ये कंपनी जो है प्रॉपर्टी डिवीजन और टेक्सटाइल सेक्टर, केमिकल सेक्टर में, सभी सेक्टर में काम करती है, और इसका जो रेवेन्यू आता है वो मैक्स टू मैक्स जो रेवेन्यू है फैब्रिक, कॉटन और ब्लेंडेड धोती और इन जैसे मतलब जो पॉलिस्टर, सॉरी जो यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर से आता है वो हर एक चीज़ कंपनी जो है यहाँ पे सेल करती है, और इसी के साथ मैन्युफैक्चर भी करती है। कंपनी का अगर हम यहाँ पे सेल्स का जो रेवेन्यू का देखेंगे तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो यहाँ पे रेवेन्यू आता है वो लैंड सीज के इससे आता है, और कॉमन सॉल्ट से 1% और सेल्स ऑफ क्लॉथ से 2% का रेवेन्यू आता है। और ये कंपनी जो है आने वाले वक्त में और भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि कंपनी का नाम जो है गवर्नमेंट लिस्ट में आ चुका है, और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनियों को गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा स्पेशल फंडिंग मिल रही है मेक इन इंडिया के अंदर, तो वैसे उसी लिस्ट में जो है इस कंपनी का नाम भी आया है, तो आप यहाँ पर भी एक चांस ले सकते हैं पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जो आज की हमारी लास्ट कंपनी है उसका ROC ROE आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ROC यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग और नाम और सब नंबर्स वगैरह तो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले आप यहाँ पे जो नज़र डालने के लिए चीज़ है वो है कंपनी के पास रिजर्व देखिए फ्रेंड्स, प्रमोटर होल्डिंग देखिए,
और इसी के साथ साथ कंपनी का जो डेप्ट है वो भी देख सकते हैं। और डेप्ट टू इक्विटी मतलब अगर 7,460 करोड़ रुपीज़ का डेप्ट है और अगर इसे इनकी इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 0.08%। कंपनी का मतलब यहाँ पे 1% भी नहीं है, 0.1% भी कंपनी का ऐसा डेप्ट नहीं है। कंपनी जब चाहे तो अपना डेप्ट को ऐसे ही उखाड़ फेंक सकती है। और सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे, रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे कंपनी पूरी तरह से शानदार है। कंपनी के ऊपर मतलब बहुत ही बड़ा आप यहाँ पे रिस्क फ्री स्टॉक है पूरी तरह से, बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे आराम से भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी के जो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं जो परसेंटेज वगैरह, और प्लेस की अगर हम बात करें 0.48% का निकल के आ रहा है इसके परसेंटेज। आरओसी आरओई दोनों अब 50% के नियर है। और करंट मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो उससे पहले कंपनी का मार्केट कैप की बात करेंगे, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 1,27,000, मैं यहाँ पे काउंट भी नहीं करने आ रहा मुझे, तो आप यहाँ पे खुद ही पढ़ सकते हैं। और करंट मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो आप यहाँ देख 12,74,356 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप निकल के आ रहा है। करंट मार्केट प्राइस 3,483 करोड़ का है और वीक टू वीक हाई के आसपास ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो आपके लिए ये शेयर जो है जैकपॉट के जैसा, आप इस शेयर में जो है पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे इसे कंपनी के नाम की बात करें, कंपनी का नाम है TCS और इसको इंट्रो की मतलब ज़रूरत ही नहीं, टाटा का यह कंपनी है। टाटा की कंपनी में आप यहाँ पे आँख बंद करके जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे से जो है बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। हर सेक्टर में ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है, ऐसा कोई सेक्टर बचा नहीं है जो ये कंपनी काम नहीं करती है। मैं इसका जो मार्केट कैप, मुझे बोलने में ही तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है मतलब 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप कहाँ होता है। इतना ये पाकिस्तान की पूरी GDP से ज़्यादा, हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो पाकिस्तान है उसकी GDP से ज़्यादा, तो पूरी टोटल हुआ उसकी जो कंट्री की GDP है उससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी का ये निकल के आ रहा है साला मार्केट कैप। तो कंपनी बेहतरीन है, आप इस शेयर में जो है पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।